गुफ्तगू के लिए मियां जाहिद हुसैन साहब चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप के हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो टैक्स चोरी का ये मामला है, ये हुकूमत की पकड़ में क्यों नहीं आ पा रहा? हुकूमत भी संजीदा कोशिशें कर रही है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं टैक्स कलेक्शन का जो फ़र्क है वो एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क सामने आता है। 58 खरब के इस बार भी ये फिगर्स अभी हमारे सामने मौजूद हैं, तो किस तरह के इकदाम उठाने की ज़रूरत है अभी हुकूमत को? बात यह है कि पाकिस्तान जो है जब तक लोग अपना देना शुरू करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और पाकिस्तान की जो इकॉनमी का साइज है, एक तखमीने के मुताबिक हमें 14,000 अरब रुपए टैक्स देना चाहिए, जबकि IMF के मुताबिक हमें 18,000 अरब रुपए टैक्स देना चाहिए। वेयर एज के हम जो टैक्स दे रहे हैं वो 9,700 अरब रुपए का इस साल का हमारा टारगेट है, वेयर एज के पिछले साल का भी हमारा टारगेट था 6,700 अरब रुपए। बात यह है कि हम आप इससे ज्यादा लगा सकते हैं, यानी पिछले से पिछले साल के बाद जो रेवेन्यू टारगेट बनाए जो कलेक्शन की है, और इस साल हमने 30% उसमें इंक्रीज किया है। और जबकि इंक्रीज करने की जरूरत है, 14,000 अरब रुपए यानी 5,000 अरब रुपए अभी भी हम कम है, और IMF के मुताबिक हमने इसको कवर करने की और इस चक्कर में अगर हम देखें तो हमारा जो टैक्स GDP है वो सबसे कम है, वो 8.5-9% के करीब है, जो IMF कह रहा है कि इसको आप 18% ले। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम रेवेन्यू में कितने पीछे हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ जो जितने भी डेवलपमेंट के काम है उसके लिए गवर्नमेंट के पास बजट नहीं होता, और उसके लिए फिर जाया के कर्जे लेने पर। अब सिचुएशन ये है कि अब इन्होंने जिस तरीके से हॉस्पिटल्स को, क्लब्स को, शादी हालों को और ये स्लिमिंग क्लिनिक्स को, ये सारी इस तरह के जितने भी चीजें और सर्विसेज हैं इनको एक सिस्टम में लाने का फैसला किया है, और उनको POS के साथ जो FDR का जो सिस्टम है सॉफ्टवेयर उसके साथ लिंक करने का, ऑनलाइन लिंक करेंगे और रियल टाइम उसकी इनपुट वहाँ पे जा रही है। तो बहुत सारे लोग जो है जो हमारी क्लीट है वो जाहिर है कि अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाती है, अच्छे कॉलेजों में भेजते हैं, फिर अच्छे उसमें हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, क्लबों के मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे बड़े ह्यूज एक्सपेंसिस वो करते हैं। उसके अगेंस्ट जो उनकी इनकम होती है वो बड़ी मिनिमम सी होती है, मिनिमम होती है, वो उसके बढ़ती है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि इस जो उन्होंने फैसला किया है, इस फैसले के नतीजे में FDR के पास रियल टाइम डेटा जा रहा होगा, और अब वो लोग जो एक्सपेंस करते हैं, मतलब वो एक्सपेंस को कैसे अपनी इनकम में डिक्लेयर नहीं करते, तो वह उनको जाहिर है उस हिसाब से इनकम भी अपनी शो करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट वो उस पर टैक्स देगा। जहाँ तक आप अभी रिटेलर्स के ऊपर बात कर रहे थे, अभी ये होलसेल ग्रुप के करते हैं, 1,200 रुपये टैक्स कुछ भी नहीं है दुकानदार के ऊपर, अभी आप बात कर रहे थे 100 रुपया, ये तो कुछ भी नहीं है। तो लोगों को ये टैक्स देना चाहिए, और जब तक टैक्स सिस्टम में नहीं आएंगे तो। अच्छा जाहिद साहब, दिलचस्प बात यह है कि वो भी टैक्स देने पर तैयार हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि 1200 तो कुछ नहीं है, इसको अगर थोड़ा बढ़ा भी दिया जाए तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है FDR के पास। अब वो जो सड़कों पर लोग स्टॉल लगाए हुए होते हैं वो पथारेदार होते हैं, या जो ऐसी कंजस्टेड एरियाज होते हैं जहाँ बहुत छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उनको कैसे सिस्टम में लाया जाएगा? यानी नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया FDR ने, अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया उन्होंने। और उस ऐप में लोग अपने आप को रजिस्टर करेंगे और वो उसके ऊपर टैक्स दे देंगे। अब ये पथारेदार भी बात करने वाला था, अभी या तो पथारेदार जो है वो या तो टैक्स देंगे नहीं, या कहेंगे नहीं ये सिस्टम खराब है। भाई बात यह है कि पथारे वालों को छोड़ दें, वो कब टैक्स दे रहे हैं? पहले पिछले 50 साल से टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन वो पुलिस को पता 5 रुपये दे देते। तो बात यह है कि हम जो दुकानदार हैं कम से कम वो जो सिस्टम में लाए, उनके बिजली के बिलों के ऊपर उन्होंने कहा कि हम एक फॉर्म और बढ़ा देंगे। तो FDR के पास हमको क्या करें, लोग जब टैक्स देना नहीं चाहते हैं उसके लिए ये बहाने बनाते हैं, तो FDR को बहुत सारे सिस्टम डाल देता है और सारे सिस्टम के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।